दोस्तों हम लोधी वंश के किले में लुधियाना खड़े हैं। मैं आपको बता दूं, जहाँ जिस सुरंग के सामने हम खड़े हैं, ये सुरंग लुधियाना से फ्लोर की ओर जाती है। तो इस किले में तीन सुरंगें बनी हुई हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये देखो, ये मेन गेट है किले का। तो इस किले में जो तीन सुरंगें बनी हुई हैं, एक लाहौर को जाती है, एक फलौर और तीसरी दिल्ली को जाती है। तो हम आपको ये जो तीनों सुरंगें हैं, तीनों दिखाने की कोशिश करेंगे। हम बीच में जाने की भी कोशिश करेंगे। तो पहले पूरा किला देखते हैं, उसके बाद सुरंग में चलेंगे। तो ये देखो, ये मेन गेट है लोधी फोर्ट का। मैं आपको बता दूं, किसी टाइम ये सतलुज दरिया के किनारे हुआ करता था, लेकिन जब भाखड़ा डैम बना है तो सतलुज का पानी रोक दिया गया और दरिया छोटा रह गया, और अब कई किलोमीटर दूर से पानी निकलता है। तो ये फोर्ट लुधियाना में बना हुआ है, लोधी वंश का पहला फोर्ट है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इस शहर का नाम लोधी आना पड़ा हुआ था। तो धीरे धीरे लोधी आना से, क्योंकि लोधी वंश ने जहाँ बनाया था, धीरे धीरे इसका नाम लुधियाना पड़ गया। तो ये किला खस्ता हालत में हुआ पड़ा है, क्योंकि इसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं है। ये लेफ्ट साइड में कमरे बने हुए जहाँ पर सैनिक रहा करते थे। तो हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि खस्ता हालत की इसकी छतें हैं। तो गिर्द गिर्द भी काफी दरख्त वगैरह उगे हुए हैं। तो दोस्तों पूरा किला दिखाएंगे आपको, और सुरंग जो है वो उसके अंदर भी हम जाएंगे। तो हम आगे चलते हैं। वो पहला गेट था, और एक गेट के ये दूसरा गेट है किले का। तो इसके अंदर पूरा किला बना हुआ है, मैं आपको बता दूं। ये देखो, लेफ्ट साइड और राइट साइड ये राउंड, ऊपर से छत गोल है, इसमें कोई सरिया नहीं, इसे डाट बोलते हैं। तो ये गेट देखो, 450 सालों से ऐसे ही खड़ा है, इतनी मजबूत और अच्छी लकड़ी का बना हुआ ये गेट। तो एक ही पल्ला बचा है इसका, राइट साइड का, लेफ्ट साइड का। ये देखो, बोर्ड लगा आईटीआई का, इसमें सरकारी आईटीआई चला करती थी किसी टाइम। तो आप वो भी शायद कहीं और से चला करती है। तो ग्राउंड में देखो, घास काफी, क्योंकि देख रेख नहीं हो रही। तो ये देखो, ये कमरे सैनिकों के बने हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि इसे किला भी बोलते हैं और इसे सराय भी बोलते हैं। जमुना लुधियाना जो लोधी वंश का राजा था, बहलोल लोधी वगैरह, वो जब लाहौर से दिल्ली को जाया करते थे तो लुधियाना में रेस्ट किया करते थे, और जब दिल्ली से लाहौर या फलौर को जाते थे तो यहाँ रेस्ट करते थे। ये तबेले बने हुए हैं, इनको तबेला बोलते हैं, जहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे, हाथी बांधे जाते थे। तो सैनिकों के साइड में चारों तरफ कमरे हैं। तो दरवाजे वगैरह इसके टूट चुके हैं, उखाड़ दिए हैं। तो लोगों ने, जो नशे वाले लोग, चोरी वाले हैं, उन्होंने उठा के ले गए या बेच दिए, जैसा जैसा भी होगा। तो ये देखिए, जिस तबेले ढहे पड़े हैं, देखो सीढ़ी बहुत, महज 2.25 फुट रास्ता है। तो ऊपर जाने के लिए हम नहीं जाएंगे, क्योंकि खस्ता हालत है। तो इसकी छत खस्ता थी। तो ये तबेले देखिए, इसमें भी एक पिलर बाद से लगाया गया है। काफी खस्ता हालत है इसके लिए भी। तो मैं आपको बता दूं, हम और सुरंग के बीच में जाएंगे दोस्तों। सुरंग जरूर देखना, जो लुधियाना से फलौर को जाती थी। तो आप किस हालत में हैं वो अंदर जाके पता चलेगा। तो की एक हिजाब का 450 सालों से खड़ी है। तो ये तबेले जहाँ घोड़े बांधे जाते थे सैनिकों, वो बने हुए हैं।
मरम्मत का काम होने वाला है, लेकिन सरकार का शायद ध्यान नहीं। तो ये देखो, वो सुरंग आ गई है। ये सुरंग जहाँ से पलौर तकरीबन 13 किलोमीटर बनी सुरंग राजवाड़ी, जब महाराजा या उसके सैनिक कोई बेपता की घड़ी आती थी तो इसके बीच में से दूसरा किला जो फ्लोर में बना है उसमें चले जाते थे, किसी को बाहर दुश्मन को पता नहीं लगता। दोस्तों, जहां तक वीडियो देख ली है, हम इसके अंदर चलते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर भी कर देना। देखो, हम अंदर चलते हैं जहां तक जा सके। हेलो, सुरंग क्या मतलब कर से काफी मलबा बंद हो चुकी है, क्योंकि 450 साल हो गए। नशा का पानी भी पी तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर से शेयर कर दो वीडियो देखने के। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये हम खेले के ऊपर आ गए हैं और ऊपर से आपको पूरे पूरा शहर दिखाएंगे, लुधियाना शहर, जो लोधी किले के ऊपर हम चढ़ेंगे। आप तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।